आज किसान आंदोलन का 99 दिन है और कल 100 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हालांकि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का जोश बरकरार है। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान संगठनों ने 100वें दिन यानी 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताने का फैसला किया है। 6 मार्च को विभिन्न धरना स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी की जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सड़क जाम की जाएगी। यहां टोल प्लाजा को भी फ्री कराया जाएगा। 6 मार्च से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आंदोलन में अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आंदोलन स्थल पर गर्मी से मुकाबले के लिए पंखे, कूलर और एसी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी, छबील और गन्ने के रस की व्यवस्था की गई है। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर बोरवेल भी लगवा दिया है। पुराने कानून वापस करो, वापस करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ने वाले लोगों का एकता जिंदाबाद। 100 दिन पूरे होने के मौके पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। जीटी करनाल रोड पर दिल्ली की तरफ से पुलिस ने पहले से ही बैरिगेटिंग का रास्ता बंद कर रखा है। अब सिंघू बॉर्डर गांव के बीच में से कोंडी चौकी की तरफ जाने वाले रास्ते को भी सीमेंट के बैरिगेट लगाकर बंद कर दिया गया है। यहां से केवल पैदल और दोपहिया सवार को ही जाने की अनुमति है। कार समेत अन्य 4 पहिया वाहनों को ज्योति टोल से जीटी करनाल रोड पर जाने का रास्ता दिया गया है। उधर किसान आंदोलन के लिए दिल्ली के अंदर से समर्थन जुटाने की कवायद जारी है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा का गठन किया गया है। इस मोर्चे के जरिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत करने की भी योजना है। किसान सोशल आर्मी की ओर से जंतर मंतर पर 8 मार्च को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके जरिए किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ दूसरे जुड़े हुए मुद्दों पर भी ध्यान खींचा जाएगा। वहीं जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में सरकार विरोधी प्रदर्शन किए जाएंगे। 8 मार्च को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर के सभी संयुक्त किसान मोर्चे के धरना स्थल 8 मार्च को महिलाएं संचालित करेंगी। इस दिन महिलाएं ही मंच पर प्रबंधन करेंगी और वक्ता भी होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस दिन महिला संगठनों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया है। किसानों ने केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस का समर्थन किया है। किसान इस दिन को कॉरपोरेट विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।